गुलाब है, तो गुलाब की मिट्टी का वो जो कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं मिट्टी में, थोड़ी बालू और उसके साथ में धान का भूसा, तो मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, उसकी रूट्स को इजी गोइंग जाने के लिए चाहिए। तब वो इजी गोइंग बढ़ती रहेगी तो आपका पौधा हमेशा डेवलप करेगा। आदमी प्लेन मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में डाल देता है, इस वजह से वो डेवलप नहीं कर पाते। वैसे ही इंडोर प्लांट्स हैं, उसमें आप थोड़ी इन्हीं चीज़ों के साथ में थोड़ी कोकोपीट भी यूज़ करें, ताकि उनकी रूट्स यदि सॉफ्टनेस से बढ़ेगी तो कभी कोई पौधा नहीं मरेगा। अच्छा। हम लोग भी अलग अलग पौधों के हिसाब से अलग अलग मीडिया को उपयोग करते हैं। तो आप भी जब पौधे लेके जाएं तो नर्सरी वालों से पूछ लें कि इसके मीडिया को मेरे को कैसा रखना है। चीजें नर्सरी में भी मिल जाती हैं, वो परचेस करके उन चीजों को मिला के यदि आप डालते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब पॉलीथीन या किसी भी पॉट में है उसको जब अपन निकाल के बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, तब उसको ध्यान से करना चाहिए कि ताकि उसकी मिट्टी जो है ना वो नहीं टूटे। वो आपका रीपॉटिंग के समय यदि उसकी मिट्टी टूटती है तो उसकी जड़ खुल जाती है, उससे पौधों की में मोटिलिटी आती है। यदि आप ध्यान से धीरे से ब्लेड से कैंची से थैली को काट के आप शिफ्ट करेंगे तो आपका कभी भी एक भी प्लांट नहीं मरेगा। और विशेषकर गर्मी में कभी भी प्लांट्स को आप शाम के समय रिप्लेस करें, और बाकी समय में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में ध्यान रखते हुए इवनिंग समय में पौधों को रीप्लांट करें। सर, और गर्मी में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने पॉट्स का? गर्मी में विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि सुबह यदि पानी डालते समय, लोग आगे पीछे समय में पानी डालते हैं तो गर्म पानी डल जाता है, उसकी वजह से पौधे गड़बड़ होते हैं। तो पानी का समय निश्चित कर दें कि सुबेरे 8 बजे के पहले पानी डालें, और यदि आपको शाम को भी पानी डालना है तो पाइप में या कोई भी पानी उसको जरूर छू के देख लें कि वो गर्म तो नहीं है। बाई मिस्टेक लोगों से पाइप में गर्म पानी रहता है, वो डल जाता है, तो 10 पौधों में से 1-2 पौधे मर जाते हैं। हमको यही नहीं पता चलता क्यों मर गए, उसमें गर्म पानी डलेगा तो पौधे मर जाते हैं। तो शाम के समय 5-6 बजे के बाद डालें और सुबेरे 8 के पहले पानी, और पौधों को थोड़ा छाया तरफ कर दें, क्योंकि आपका फर्श भी गर्म है गर्मी में और ऊपर से भी गर्मी है, तो दोनों तरफ से गर्म होता, तो आप अब उनको छाया तरफ कर दें। और यदि छाया तरफ की व्यवस्था नहीं है तो आपको मार्केट में ग्रीन शेड नेट मिल जाएगा, तो कम से कम 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून के लिए आप ग्रीन शेड नेट को उसके ऊपर लगा के रखें, जिससे पौधों की थोड़ी छाया मिलेगी तो एक भी पौधे नहीं मरेंगे। ठीक है, और बेस्ट 5 इंडोर प्लांट बताइए घर की शोभा बढ़ाने के लिए, जो आपकी नर्सरी में एकदम मस्त अवेलेबल हो। बेस्ट 5 में सबसे पहले आपका एरिका पाम जी, और आपका रापिस पाम जी, सीपेटिया पाम, जीजी प्लांट और सेंसिविरिया। सेंसिविरिया को स्नेक प्लांट भी बोलते हैं जी। उसके अलावा स्पाइडर प्लांट भी आप यूज कर सकते हैं। ये 5-6 बेस्ट पौधे हैं जिनको आप अपने घर में इंडोर में लगा सकते हैं, जो ऑक्सीजन बेस्ड भी है, एयर प्यूरिफायर भी है। अच्छा, थैंक यू।